हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया था। ओके, अब मियोसिस फर्स्ट के बाद अपन प्रारंभ करेंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य एक अल्पकालिक प्रावस्था की बात की थी अपन ने, इंटरकाइनेसिस, जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती। अब उसके बाद अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं मियोसिस सेकंड, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो अपन बात करेंगे अब मियोसिस सेकंड। ओके, या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है बेटा, तो चलो बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड कैसे होगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे, वो सारी बातें अब आपको समझनी है बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट, मियोसिस फर्स्ट के बाद प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो मियोसिस सेकंड है बेटा वो मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप बनने वाली अगुणित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप जो अगुणित कोशिकाएं बनी थी एक सेल से दो सेल, उनमें मियोसिस सेकेंड होगा। अगला पॉइंट, मियोसिस सेकेंड समकारी विभाजन होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन है बेटा, समकारी विभाजन। इस ये जब मियोसिस सेकंड होगा तो जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहेगी, या अपन कह सकते हैं मियोसिस जो सेकंड है वो यह है माइटोसिस के समतुल्य होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप, इसका जो रिजल्ट है मियोसिस सेकंड का परिणाम, चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, मियोसिस सेकंड में गुणसूत्र बिंदु का विघटन होता है, जिसके कारण संतति अर्ध गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। तभी तो क्या है बेटा, ये एक तरह से समकारी विभाजन है। तो मियोसिस सेकंड के कुछ बिंदु थे जो मैंने आपको बताए। अब अपन मियोसिस सेकंड में जो घटनाएं हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे विद डायग्राम। ये सारे पॉइंट काम के हैं बेटा, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब डायग्राम से अपन सारी बातें करेंगे, डायग्राम को समझना अच्छे से, ये सारे पॉइंट मेंशन करने हैं आपको। तो मियोसिस सेकंड की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगी बेटा, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड। बात करें प्रोफेज सेकंड की तो देखो, मैं डायग्राम बनाऊंगा प्रोफेज सेकंड का और साथ में उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर देंगे। ये रहा प्रोफेज सेकंड,
क्या होगा प्रोफेज सेकंड में देखो बेटा, जो सेंट्रोसोम है वही अपने अपने ध्रुवों पर अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे और जो केंद्रक है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो जो डायाड है वो कोशिका द्रव्य में स्केटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। केंद्रक गायब हो जाएगा, गुणसूत्र वापस से क्या होंगे, पुनः संघनित हो जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे, सारे वही हैं पुराने, केंद्रक अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं, ठीक है। और वही पुरानी बातें, जो सेंट्रोसोम है अपने अपने ध्रुवों की ओर पहुंच जाएगा। तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोफेज सेकंड को। याद करो, जो मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनी थी दो, उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दो थी। तो देख लो ये दो गुणसूत्र जो है वो आप यहां दिखा रहे हो। अब आएगी इसके बाद मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, उसका पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर दो पॉइंट लिख देंगे नीचे। तो मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, ये जो गुणसूत्र हैं ये मध्यांश रेखा पर व्यवस्थित हो जाएंगे, ये गुणसूत्र, ये देखो मध्यांश रेखा पर क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए और तरुकु तंतुओं से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जो काइनेटोकोर है उसके साथ ही स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे, ये बात भी आपको पता है बेटा, क्योंकि ये मेटाफेज का करैक्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पॉइंट्स क्या मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, तथा दूसरा क्या लिखोगे, तरकु तंतुओं से जुड़ जाते हैं, बस इतना ही काफी है बेटा, बाकी सब पता है आपको। जो तरकु तंतु हैं, विपरीत ध्रुवों के जो तरकु तंतु हैं वो संतति अर्गुणसूत्रों से जुड़ जाएंगे, कहां पे, काइनेटोकोर पे, सब मालूम है पुरानी बातें हैं। तो ये मध्यांश पर आ गए। इसके बाद मेटाफेज सेकंड के बाद आएगी एनाफेज सेकंड, यहां क्या होगा समझें, एनाफेज सेकंड में अब सेंट्रोमियर का विघटन होगा बेटा। तो सेंट्रोमियर के विघटन से क्या होगा, जो संतति अर्धगुणसूत्र हैं वो पृथक हो जाएंगे, देखो संतति अर्धगुणसूत्र पृथक होंगे और अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, क्योंकि तरकु तंतुओं से जुड़े हुए हैं, ये देखें बेटा अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। इनके बीच में इंट्राजोनल स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, तो ये कौन है, एनाफेज सेकंड। तो क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु विघटित होता है तथा संतति अर्ध गुणसूत्र पृथक हो जाएंगे और अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, तथा ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। देखो डायग्राम में अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या हो रहे हैं बेटा, ये गमन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एनाफेज सेकंड। अब कौन आएगी, टेलोफेज सेकंड। डायग्राम बनाने और ये पॉइंट्स लिखने,
टीलोफेस एगिन, वेरी सिंपल बेटा, वही वापस से पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। तो देखो इस कोशिका में ये गुणसूत्र जैसे ध्रुवों पे पहुंचेंगे तो वहां पर वापस केंद्रक निर्मित हो जाएगा और इसके अंदर ये गुणसूत्र है, दो दो इधर दो इधर, तो समकारी विभाजन हो गया ना। ये न्यूक्लियस भी एन है और ये भी एन है, देख लो पेरेंटल न्यूक्लियस भी एन था। तो अपन कह सकते हैं कि टीलोफेस सेकंड में क्या हुआ, दो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें एक कोशिका में दो संतति केंद्रक बन गए, तो ये हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, हो गया केंद्रक विभाजन हो गया। दोनों केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या समान है और पैतृक केंद्र के भी क्या है, समान है। तो मियोसिस सेकंड क्या है, समकारी विभाजन है। तो ये बातें तो होगी किसकी, आपकी टीलोफेज सेकंड तक कैरियोकाइनेसिस। अब देखो बेटा जो आपका कैरियोकाइनेसिस पूर्ण हो गया, अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, क्लियर। तो मैं साइटोकाइनेसिस को भी यही दिखा रहा हूं, तो मैं यहां देखो ये डायग्राम बना लिया आपने, नीचे सारे पॉइंट मेंशन कर दिए। अब अपन कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, टीलोफेज के बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। सॉरी कैरियोकाइनेसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सिंपल है, साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा ये। तो देखो एक सेल से दो सेल बनेंगे कितने, दो सेल, फिर से सुन लेना बेटा, यहां एक सेल से दो सेल बन रही हैं, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप दो सेल बनी थी, तो दो से कितनी हो गई, चार हो गई। तो साइटोकाइनेसिस सेकंड जब पूरा होगा तो यहां पर टोटल कितनी सेल मिलेंगी आपको, चार सेल मिलेंगी, एक सेल से दो और एक सेल और है, तो टोटल कितनी है, चार सेल। और ये सारी क्या है बेटा, हैप्लोइड 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 हैप्लोइड, और इसको क्या कहते हैं, कोशिका का चतुष्क, और ये सारी कैसी हैं, हैप्लोइड हैं, ये गैमेट्स कहलाते हैं, हैप्लोइड सेल। तो बताओ मियोसिस सेकंड के परिणाम स्वरूप चार अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन याद रहे बेटा ये अगुणित पुत्री कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से आपस में समान नहीं है, इंपॉर्टेंट, ये आनुवंशिकता है समान नहीं होती। कारण बेटा बताओ क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ था और क्रॉसिंग ओवर के कारण उनके आनुवंशिक पदार्थ का क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज हो गया, इसलिए ये चारों आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन माइटोसिस के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं आइडेंटिकल होती है, ये आइडेंटिकल नहीं है, कारण क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी मियोसिस सेकंड की कंप्लीट। तो फिर बताओ बेटा मियोसिस का रिजल्ट क्या है, चार अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, या मियोसिस सेकंड का रिजल्ट क्या है, चार अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। तो इसी के साथ बेटा आपका मियोसिस जो है वो संपन्न होता है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी फेजेज आई, सारी फेजेज को अपने डायग्राम से समझा है, और डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा डायग्राम कौन सी फेज को प्रदर्शित करता है, ठीक है बेटा। तो ये बात होगी आपकी इन फेजेज की, ये सारी फेजेज मैंने बताई हैं, आपकी नोटबुक में है, एनसीईआरटी से भी इनको क्या करना है, आपको रीड करना है, ओके। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के साथ मियोसिस पूर्ण हो गया, अब इसके बाद बेटा अपन इसमें छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं वो सारे कवर करेंगे। तो अब अगला टॉपिक जो है वो रहेगा आपका मियोसिस का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। मियोसिस का महत्व बात करें तो सबसे पहले महत्व देखो, युग्मकों के निर्माण में सहायक है,
ठीक है। दूसरा अगणित कोशिकाओं को उत्पन्न करता है, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण, तो आप समझ सकते हो लैंगिक जनन में सहायक हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मियोसिस जो है वो हैप्लोइड फेज उत्पन्न करता है। मियोसिस एगुणित प्रावस्था, याद करो इंट्रोडक्शन में बताया था, एगुणित प्रावस्था उत्पन्न करता है, तो जीवन चक्र के दौरान ये एगुणित प्रावस्था उत्पन्न करता है। इसलिए एक महत्व और हो गया, मियोसिस जातियों में गुणसूत्रों की संख्या को परिरक्षित रखता है। मतलब संख्या परिवर्तित नहीं होने देता। जैसे अपनी बात करें बेटा, अपने अंदर क्रोमोजोम 46 है एक सेल में, तो अपनी संतति में भी क्रोमोजोम कितने होंगे, 46। कारण मियोसिस, क्योंकि मियोसिस हैप्लोइड फेज उत्पन्न करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो वापस डिप्लोइड आ जाएगी। इसलिए प्रत्येक जनरेशन में गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखने में इसका योगदान है। अगला महत्व देखो बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तथा ये उद्द विकास में, इवोल्यूशन बेटा, उद्द विकास, उद्द विकास में सहायक है। तो ये उद्द विकास में भी अच्छी भूमिका निभाता है। बात समझ में आ गई बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो पॉपुलेशन में विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण उद्द विकास में सहायता मिलती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया ये, इसलिए इसको भी याद रखना। तो ये आपके मियोसिस के महत्व जो है उन पे अपन ने थोड़ा प्रकाश डाल दिया, इनको भी रीड करना आपको, ठीक है? क्लियर बात, सारे पॉइंट समझा रहा हूँ बेटा मैं, और आपको बड़ा ध्यान देना इन पॉइंट्स पे। अब मियोसिस के महत्व के बाद छोटे छोटे पॉइंट और बचे हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, जैसे माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है, एक ए माइटोसिस और होता है उसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ माइटोटिक पॉइजन होते हैं जो माइटोसिस को संदमित करते हैं, तो वो तीन टॉपिक और कवर करेंगे इस लेक्चर में, फिर बाकी के अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद में अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? तो अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं माइटोसिस और मियोसिस में अंतर। तो एक तरफ तो अपन मियोसिस की बात करेंगे, और दूसरी तरफ माइटोसिस। तो इनमें जो मुख्य मुख्य अंतर हैं उनके बारे में अपन बेटा यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है? तो सारे पॉइंट्स को बेटा एकदम ध्यान से समझना है, जो मेन मेन डिफरेंस हैं उनके बारे में अपन थोड़ी स्टडी कर लेते हैं ताकि एक रिवीजन टाइप हो जाए, ठीक है? यहाँ देखो बेटा, पहला अंतर जो मियोसिस है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज करूंगा, ये रिडक्शनल डिवीजन है बेटा। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, पता है आपको, न्यूनकारी विभाजन, ओके? लेकिन जो माइटोसिस है वो इक्विटोरियल डिवीजन होता है। ये इसको बोल दो समकारी विभाजन, कारण क्योंकि मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहां अंतर लिख देते हैं, गुणसूत्रों
की संख्या आदि, हो जाती है, लेकिन माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अगला देखो बेटा, मियोसिस जो है वो डबल डिवीजन है। समझ में आया क्यों? क्योंकि दो बार विभाजन होता है, लेकिन जो माइटोसिस है वो सिंगल डिवीजन है, सिंगल डिवीजन होता है, विभाजन एक बार होता है। मियोसिस बेटा द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, 2n सेल्स में होता है द्विगुणित कोशिकाओं में, लेकिन जो माइटोसिस है बेटा वो द्विगुणित तथा अगुणित दोनों में होता है। अगला अंतर देखो, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मियोसिस जो है वो होता है बेटा आपकी जननी कोशिकाओं में, जननिक कोशिकाओं में, लेकिन जो माइटोसिस है वो सामान्यतः होता है सोमेटिक सेल में। इसमें होगा सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल, ठीक है। अगला अंतर देखो बेटा, जो मुख्य अंतर है उसकी बात कर रहे हैं अपन। जो मियोसिस है उसका परिणाम क्या है? देखो मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है बेटा? रिजल्ट सब बातें हो चुकी हैं, केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूं। इसका रिजल्ट है 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण, लेकिन माइटोसिस में 2 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। अगला अंतर देखो बेटा, मियोसिस के दौरान समजात गुणसूत्रों का युगलन होता है, लेकिन माइटोसिस में समजात गुणसूत्रों का युगलन नहीं होता। अगला अंतर देखो बेटा, मियोसिस में चतुष्क, अंग्रेजी लिख दूं टेट्राड, बाइवेलेंट का निर्माण होता है, लेकिन माइटोसिस में यह कंडीशन नहीं देखी जाती। नेक्स्ट, मियोसिस में बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है जीन विनिमय, लेकिन माइटोसिस में बेटा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना बेटा? ये डिफरेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं बोलूं मियोसिस में बेटा सिनेप्सिस होता है, लेकिन माइटोसिस में सिनेप्सिस नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो मुख्य अंतर है मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये हो गया मियोसिस और माइटोसिस में अंतर। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है बेटा, जिसको अपन अभी कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है ए माइटोसिस, ठीक है। थोड़ा सा उसकी स्टडी करते हैं। ए माइटोसिस क्या होता है? असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस, तो एमाइटोसिस देखो क्या, ये आद्य प्रकार का विभाजन है, आद्य प्रकार, प्रिमिटिव, आद्य प्रकार का विभाजन है, ठीक है। इसे बाइनरी फीजन या द्विविभाजन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको बाइनरी फीजन या द्विविभाजन के नाम से भी जाना जाता है। जो एमाइटोसिस है ये डायरेक्ट डिवीजन होता है, यह है डायरेक्ट
डिवीजन, प्रत्यक्ष विभाजन है ये। ये प्रत्यक्ष विभाजन का प्रकार है। लेकिन याद रखना बेटा, जो माइटोसिस और मियोसिस है वो इनडायरेक्ट डिवीजन है। क्यों? क्योंकि उनमें केंद्रक पहले गायब होता है, फिर केंद्रक का फर्दर निर्माण होता है, और यहां पर डायरेक्टली केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों में बट जाता है। अगला यह है माइटोसिस की तुलना में तीव्र विभाजन है। माइटोसिस तुलना में तीव्र विभाजन होता है। इसमें इंटरफेज तथा एम फेज नहीं होती। याद रखना बेटा, इसमें इंटरफेज एम फेज जैसे कोई नाम नहीं आएंगे। इसमें G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज ऐसी कोई टर्म यूज नहीं करते हैं। ये डायरेक्ट डिवीजन होता है। नेक्स्ट, तो डीएनए की प्रतिकृति कब होती है? सुन लो, डीएनए की प्रतिकृति विभाजन से पूर्व होती है। अगला पॉइंट यह है प्रोकैरियोट्स का लक्षण है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें एमाइटोसिस होता है बेटा, बाइनरी फिजन होता है। लेकिन यह कुछ यूकैरियोट में भी पाया जाता है। यह है कुछ यूकैरियोट्स में भी होता है, जैसे ईस्ट अमीबा। इसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड, याद करो सब बता रखा है, इनमें भी द्विविभाजन होता है। ये द्विविभाजन के द्वारा क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बैक्टीरिया की बात करूं बेटा, तो बैक्टीरिया में एमाइटोसिस में जो समय लगता है बहुत कम समय लगता है, 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। थोड़ी सी बैक्टीरिया की आपको बात समझा देता हूं मैं। एक एग्जांपल लेके, बैक्टीरिया विभाजन का जो टाइम है जिसको बोलते हैं जनरेशन टाइम, वो होता है बेटा 20 मिनट। तो बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। तो 20 मिनट बाद देखो, ये कोई एक बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। तो 20 मिनट बाद ये बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में विभक्त हो जाएगा। अगले 20 मिनट में देखो बेटा, तो 20 और 20 कितने हो गए बेटा? 40 मिनट हो गए ना टोटल। तो ये दो से एक, दो, तीन, चार। तो हर 20 मिनट में जीवाणु अपनी संख्या को डबल कर लेता है, हर 20 मिनट में डबल कर लेता है। जैसे इसका जनरेशन टाइम कैसे निकालते हैं? मान लो आपने एक बैक्टीरिया लिया, एक जीवाणु आपके पास है, तो एक से दो होने में 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये एक से जब दो हुए तो उसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। दो से चार तो इसको दूसरी पीढ़ी बोलेंगे, चार से आठ ये तीसरी पीढ़ी हो गई, आठ से सोलह ये चौथी पीढ़ी हो गई, सोलह से बत्तीस ये पांचवी पीढ़ी, बत्तीस से चौसठ ये छठी पीढ़ी, ऐसे करते जाओ आप। तो ये क्या है? पीढ़ी पहली दूसरी। तो एक बैक्टीरिया चौथी पीढ़ी के बाद कितने जीवाणु बनाएगा? सोलह। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे निकालना है बेटा। यहां पर फॉर्मूला आता है 2 की पावर n, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। यहां पर n क्या है? पीढ़ी। अगर मैं कहूं कि पांचवी पीढ़ी में कितने जीवाणु आपको प्राप्त होंगे एक जीवाणु से, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 32। बात समझ में आ रही है? मान लो
एक पेट्री प्लेट है, समझना बहुत ध्यान से, ये एक पेट्री प्लेट है जिसके ऊपर आपने स्टार्टिंग में 10^5 इतने बैक्टीरिया लिया आपने, स्टार्टिंग में 10^5 जीवाणु आपके पास हैं। तो पूछेगा कि अब बताओ पांचवी पीढ़ी में कितने जीवाणु प्राप्त होंगे, तो सीधी सी बात है पांचवी पीढ़ी का मतलब बेटा 2^5 कितने हो गए, अगर एक होता तो 2^5 में कितने जाएंगे 32, और स्टार्टिंग में कितने हैं 10^5, तो क्या बोलोगे 32×10^5 इतने जीवाणु आपको पांचवी पीढ़ी के बाद प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बातें समझ में आ रही है, जीवाणु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आपको बेटा करना है ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये कोई टेस्ट ट्यूब है बेटा या कप मान लो इसको, ठीक है, इस कप में आपने जीवाणु डाल रखे, इस कप में क्या थे जीवाणु थे, ध्यान से समझना बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस कप को आधा भरने में, ये लो ये कप आधा जब भरा जीवाणुओं से, तो ये अब आधा भर गया कप, तो आधा कप जब ये भरा आधी टेस्ट ट्यूब जीवाणु से भरी है, तो मान लो इसमें 20 मिनट लगे हैं, कितने मिनट लगे हैं 20 मिनट, और मैं आपको खुद एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ कि यदि जीवाणु हर एक मिनट में डिवाइड होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, डिवाइड तो 20 मिनट में होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यदि जीवाणु हर एक मिनट में डिवाइड होता है, तो बताओ अब इस कप को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो बेटा अगली एक मिनट में क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, सोचो जीवाणु एक मिनट में डिवाइड होगा तो अगली एक मिनट में ये सब डबल हो जाएंगे, डबल होंगे तो ये पूरा भर जाएगा बेटा, तो इसका मतलब 21वीं मिनट में क्या हो गया, ये पूरा फिल हो जाएगा, तो अगली एक मिनट में ये डबल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा आप ये जीके के क्वेश्चन भी होते हैं, इन पे दिमाग लगाना, हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी ए माइटोसिस की। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, माइटोटिक पॉइजन, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, एनसीईआरटी का कंटेंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको समझना है बस थोड़ा थोड़ा आपको। माइटोटिक पॉइजन, मतलब माइटोटिक पॉइजन कौन होते हैं, जो माइटोसिस को संदमित करते हैं, मतलब माइटोसिस को रोक देते हैं, माइटोसिस को नहीं होने देंगे, उनको क्या बोलेंगे, माइटोटिक पॉइजन। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, पहला कोलचिसिन, कोलचिसिन एक माइटोटिक पॉइजन है, ठीक है। तो जो कोलचिसिन है वो प्राप्त होती है, यही आगे मेंशन कर लेना, कोलचिकम ऑटमनल, ठीक है, इससे इसको प्राप्त किया जाता है, और कोलचिसिन को अपन एंटी कैंसरस ड्रग के नाम से भी जानते हैं, क्या होती है ये, एंटी कैंसरस ड्रग, ओके, एंटी कैंसरस ड्रग, ठीक है बेटा। तो कोलचिसिन को अपन एंटी कैंसरस ड्रग के नाम से भी जानते हैं। अब कोलचिसिन का क्या कार्य है, किस प्रकार से ये माइटोसिस को संदमित करती है, उसकी थोड़ी बातें अपन करेंगे। तो देखो जो कोलचिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलचिसिन तर्कु तंतुओं के बहुलीकरण को रोकती है। फिर से समझना बेटा, कोलचिसिन अगर आप ऐड कर दोगे तो जो तर्कु तंतु बनते हैं उनका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो वो रुक जाएगा। तो आप बताओ बेटा, तर्कु तंतु का पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो फिर क्रोमोसोम जो है वो गति नहीं कर पाएंगे, बहुलीकरण को रोकती है, अतः गुणसूत्र गति नहीं करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि कोलचिसिन मेटाफेज को क्या करेगी, अरेस्ट करेगी, यह
कोशिका को मेटाफेज में अरेस्ट करती है। बात समझ में गई बेटा? इतना समझ ना आपको कि सेल मेटाफेज में आ जाएगी लेकिन आगे नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली आगे नहीं जाएगी तो डिवाइड नहीं होगी, तो माइटोसिस रुक जाएगा, तो ये मेटाफेज में सेल को अरेस्ट कर देगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तर्कु तंतुओं के बहुलीकरण को संदिग्धित करती है, इसलिए कैंसर के इलाज में इसका उपयोग करते हैं ताकि जो कैंसर सेल्स हैं वो आगे डिवाइड नहीं हो पाए। इसके बाद देखो बेटा एक और है, टैक्सोल, इसको प्राप्त करते हैं टैक्सस बकेटा से, और जो टैक्सोल है बेटा ये भी एंटी कैंसरस ड्रग है। एंटी कैंसरस ड्रग होती है, तो ये जो टैक्सोल है ये क्या करता है देखो, यह है तर्कु तंतुओं के डीपोलीमराइजेशन को रोकती है। तो तर्कु तंतुओं का जब बेटा डीपोलीमराइजेशन नहीं होगा तो आप बताओ एनाफेज में सेल अरेस्ट हो जाएगी, क्योंकि गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर गमन नहीं करेंगे। जब गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपको पता है बेटा जो तर्कु तंतु हैं उनका डीपोलीमराइजेशन होता है, तभी तो सॉर्ट होंगे, तब वो जाएंगे ध्रुवों की ओर। तो अपन कह सकते हैं कि यह सेल को एनाफेज में अरेस्ट करती है, एनाफेज में अरेस्ट करती है, बिल्कुल सिंपल। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं, उनके नाम लिखूंगा केवल मैं, जैसे विनब्लास्टिन, एक और है विनक्रिस्टिन, इसके अलावा और भी होती हैं जो माइटोसिस को संदर्भित करती हैं, जैसे आपका राइबोन्यूक्लिएज। इसके अलावा बेटा HNO3, इसके अलावा मस्टर्ड गैस, ये भी माइटोसिस के पॉइजन है जो माइटोसिस को रोकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अपने क्लियर कर लिया, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोल्चिसिन, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना बेटा, और एक टैक्सोल भी याद कर लेना, ये इसके आने के कई बार चांस रहते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये आपके माइटोटिक पॉइजन हो गए, अब ये छोटे छोटे पॉइंट थे कुछ कवर हो गए, दो टॉपिक और बचे हैं जिनको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा माइटोसिस मियोसिस में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा हूँ कि नीट में किस पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये सब बना लेना। अब देखो पहले तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ, जैसे वो आपको डायग्राम देगा कि ये दिया गया जो डायग्राम है कौन सी फेज को प्रदर्शित करता है, तो आप बताओ बेटा अगर ऐसा डायग्राम आ गया जिसमें क्रोमोजोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित है और स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं, तो बताओ ये कौन से फेज को प्रदर्शित करता है। वेरी सिंपल, मेटाफेज होगी, कौन सी होगी, मेटाफेज। अगर डायग्राम ऐसा है कि गुणसूत्र मध्यांश रेखा पे हैं लेकिन टेट्राड की फॉर्म में है, तो आप बताओ बेटा किसको प्रदर्शित कर रहा है ये। वेरी सिंपल, ये मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट, क्यों, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट में ही टेट्राड जो है वो मध्यांश रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, या ये डायग्राम दे दिया, ये बताओ कौन सी फेज को प्रदर्शित कर रहा है, देखो गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो ये कौन सी, ये एनाफेज होगी। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको सारे क्लियर करने हैं। फिर अगला पैटर्न होता है कि कोई इवेंट देगा कि ये घटना कौन सी फेज में होती है, जैसे क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है, ऑप्शन देगा तो ऑब्वियसली आंसर में आ जाएगा आपका पैकाइटिन,
संजात गुणसूत्रों का युगलन किसमें होता है? तो आंसर क्या होगा? जायगोटिन। इसके अलावा वो पूछे आपसे कि काइजमेटा किसमें दिखाई देता है, तो आंसर क्या होगा? डिप्लोटीन। तो इस तरह की क्वेश्चन बनाएगा कि ये कौन सी घटना है, डीएनए की प्रतिकृति कौन सी फेज में होती है, एस फेज में होती है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किसमें होता है, एस फेज में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, सीधा जवाब देना, देखना नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन याद होना जरूरी है। या फिर कुछ घटनाएं देगा, किन घटनाओं का सही क्रम बताओ। तो आपने अगर सेल साइकिल अच्छे से पढ़ा है तो बता दोगे कि ये घटना पहले होती है, फिर इसके बाद ये घटना होगी, उनका एक क्रम होगा, उस क्रम के अनुसार उनको जोड़ना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा, जैसे प्रोफेज फर्स्ट आई थी, उसको किस आधार पर आपने पांच उपरावस्था में बांटा है, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर, कौन कौन सी उपरावस्थाएं हैं? तो ये याद तो कर चुके हैं बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइगाइनेसिस। उनका सही क्रम पूछ लेगा कि लेप्टोटीन के बाद कौन सी आती है, पैकाइटीन से पहले कौन सी आती है, डिप्लोटीन के बाद, डिप्लोटीन से पहले कौन सी होती है। तो इस तरह के आपको आंसर जो है वो देने होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बात समझ में आ रही है बेटा? तो थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, ठीक है? तो आज के लेक्चर में अपन इतना स्टडी करेंगे, और कल वाले लेक्चर में आपका एक तो सेल साइकिल का रेगुलेशन समझाएंगे, और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र, लैम्प्रस क्रोमोजोम, पॉलीटीन क्रोमोजोम, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन उनके ऊपर फोकस करना जरूरी है बेटा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल है, फिर उसके बाद में अपन मॉड्यूल को सोल्व कर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे मॉड्यूल के जो सोल्व करवाने लायक है। बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है, आपने इतना अच्छा स्टडी किया है तो ऑब्वियसली आप कर लोगे कवर, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।